कर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। मैं निहारूं तुम्हें बिन झुकाए पलक, मैं निहारूं निहारूं निहारूं, मैं निहारूं तुम्हें बिन झुकाए पलक, सीख लूं और तुमसे है मन की ललक, कैसे पालूं प्रभा उसको जानूं नहीं, कैसे पालूं प्रभा उसको जानूं नहीं। आपने जो जगा दी है उर्मे अलक, आपने जो जगा दी है उर्मे अलक, बिनती चरणों में है हाथ मेरा कहो, बिनती चरणों में है हाथ मेरा कहो, विष्णु हो आप व्यापक सभी में विभो, विष्णु हो आप व्यापक हाथ मेरा गहो, विष्णु हो आप व्यापक सभी में हो, रहस्य जीवन का तुम कैसे कहते नहीं, रहस्य जीवन का तुम कैसे कहते नहीं, चेतना में समाहित तुम ही हो प्रभो, जो शरण गुरु की आया, लोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जिसने हरि नाम कमाया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी।
सांसों में हो प्रभु का सुमिरन और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन जिस द्वार गुरु का पाया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। जिस द्वार गुरु का पाया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय नमः।
श्री महा सरस्वत्यै नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपा करहु अवसर्व। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में। सब ही मिल कीजिय ऐसी कृपा। अनंतश्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन और मेरे सन्मुख और चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जो श्रवण कर रहे हैं कथा से जुड़े हुए सभी श्रोताजन लाडली बेटियां पूज्य माताएं आप सबको हृदय से मैं नमन करता हूं। आज यह पतित पावनी भागवत गंगा बीरपुरा गांव की इस पवित्र भूमि पर जो बहने आई थी आज उसका विराम दिवस है। आओ 2 मिनट कीर्तन करके फिर कथा में हम रमण करें।
कल कालिया नाग की कथा तक हम पहुंचे थे। भगवान ने कालिया नाग से जब युद्ध किया तो जब कालिया नाग समझ गया कि ये परमात्मा है, तब उसने एक बात कही, वयम खलह सहोत्पत्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत् असद्ग्रहः। हे भगवान, हमारा तो जन्म से ही ऐसा ये स्वभाव गड़बड़ आपने बनाया। वयम खलह सहोत्पत्या, ये जो खल का जो स्वभाव है हमारे तो सातवें उत्पन्न किया आपने, और हमारा जो तमोगुण है, हमारा जो क्रोध है, दीर्घमन्यवः, ये इतना लंबा बैर भाव रहता है हमारा। आप लोग जानते होंगे, कहते हैं कि सांप जो है यदि किसी से बैर मान जाए तो धरती के कोने तक जाके पीछा नहीं छोड़ता है, इतना दीर्घ मन्यवः। और स्वभावो दुस्त्यजो, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं उस नाग की बात नहीं कर रहा, हम भी नागों की बस्ती से ही निकलते हैं। कुछ लोग, हमारे अंदर भी एक नाग बैठा है, हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी से कोई थोड़ी सी खटपट हो जाए, 50 साल पहले की बात उखाड़ के रख देते हैं, 50 साल पहले की। वो इंसान नहीं कहे जाते, वो ही कालिया नाग हैं। सज्जनों की तो एक बात होती है, अरे भाई रात गई बात गई, लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो नाग या नागिन, बुरा मत मानना, जो होते हैं या होते हैं स्वभाव से, यदि कोई सुलह की बात करे, तो तुरंत वे पीछे की हजारों बातें उखाड़ के सामने, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उन जख्मों को, मेरे साथ क्या हुआ। युधिष्ठिर बार बार द्रौपदी को समझाते थे, लेकिन वो तुरंत अपने खुले हुए केस दिखा देती कि तुम भूल गए, मुझे इस तरीके से अपमानित किया गया था। वयम खलह सहोत्पत्या तामसा दीर्घ मन्यवः, तो ऐसा स्वभाव जिनका होता है, वे पुरुष हैं तो नाग हैं, नारी हैं तो नागिन हैं, चाहे रूप भले ही इंसान का हो, व्यक्ति स्वभाव से जाना जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में
यदि गड़बड़ी है तो वो इंसान होते हुए भी नाग है। और वो कहता है कि भगवान स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद असद्ग्रह। जो अपने ही दुराग्रहों को दुराग्रह में जकड़ा हुआ है, जो हर समय अपनी बात ही जो मनवाना चाहता है, वह कभी भी अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए हमें किसी सुलझे हुए बुद्ध पुरुष, महापुरुष, किसी साधु की, किसी गुरु की बहुत जरूरत है। और कुछ तकलीफें भोग करके भी हम उनकी बातों को कुछ दिन मान लेंगे तो स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सील के मिला वयम खलाह सहोत्पत्या, खल के विपरीत होता है सीलवान। और सीलता कहां से आती है? सील के मिल बिनु बुध सेवकाई, सील के मिल बिनु बुध सेवकाई, सील के मिल। तो कालिया नाग ने भगवान से कहा कि आपने ही स्वभाव बनाया। जैसे लोग कहते हैं ना, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। कालिया ने कहा कि आपने हमारा स्वभाव ऐसा बनाया और आप ही ऐसे कह रहे हो, बात समझ में नहीं आती। और मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरा स्वभाव अच्छा हो जाए। जब भगवान के चरणों में वो झुक गया, भगवान ने कहा कि तू अब यहां से चला जा, अपने ठिकाने पर। यह कालिदास का ठिकाना नहीं था। बोले तो यहां तो ये आके छुपा हुआ था सुग्रीव की तरह। जैसे सुग्रीव बाली के डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, तो बोले ऋषिमुख पर्वत पर बाली क्यों नहीं जाता था? क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली जा नहीं सकता था, ऋषियों का साप लगा था। ऐसे ही इस काली देह में गरुण जी नहीं जा सकते थे और गरुण जी से इसकी दुश्मनी हो गई थी और गरुण जी से इसका युद्ध हुआ था। इसकी दुश्मनी हो गई और फिर इसने देखा कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे खा जाएंगे ये, तो ये भागा। और इसके अलावा किसी को ये रहस्य नहीं पता था कि गरुण जी को सांप लगा है, इस जगह वो आ नहीं सकते। सांप क्या लगा था वो भी बता दूं, उस जगह पर सौवरी ऋषि तपस्या करते थे। तो एक बार गरुण जी ने आकर के वहां कोई एक मछली
खाली मार दिया तो साधु से किसी का दुख नहीं देखा जाता, तो उनसे वो अच्छा नहीं लगा उनको। और सौवरी ऋषि ने कह दिया कि गरुण, आज के बाद इस क्षेत्र में तुम दिखाई दिए तो तुम भस्म हो जाओगे। और ये बात इस कालिया नाग को पता थी, तो उनके डर के मारे यहां आ गया। भगवान बोले कि तू मेरी यमुना से निकल जा, तूने मेरी यमुना गंदी कर रखी है, यहां से निकल। लेकिन कालिया नाग ने कहा कि मैं निकल तो जाऊं, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? बोले क्यों? बोले मैं जैसे ही निकलूंगा ना, मुझे गरुण खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, यद भयात् स सुपर्णस्त्वाम् नाद्यान् मत्पादलांचितम्। यद भयात् स, तू जिसके भय से डर रहा है ना, सुपर्णस्त यानी जिसके सुंदर पंख हैं, जिनके गरुण जी महाराज, त्वाम न आद्यान, तुम्हें नहीं खा सकती अब वो। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले मत पाद लांचितम, तेरे शीश पर मेरे चरणों के चिन्ह छप गए हैं, और मेरा चिन्ह देख लेंगे ना गरुण जी तो फिर वो जानते हैं, जैसे भगवान का चरण चिन्ह या जिसके मस्तक पर हो या जिसके हृदय में हो, उस पर वार करने वाला उल्टा मरता है, उसे नहीं मार सकता। और इस बात को गरुण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालियः, सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित जी ने पूछा कि वो अपने नागलोक को छोड़कर के इसमें जो आए थे उसकी पूरी बात बताओ। तो वहां सुखदेव जी ने परीक्षित को तो पूरी बात बताई थी, पर मैं अभी तुमको नहीं बताऊंगा। और सुनो, यही नहीं, कथा में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं। क्यों नहीं बताई हैं? कि एक ही बार बता देंगे तो फिर दोबारा को कथा करावेगा है? डॉक्टर कहता है कि एक ही बार हम ठीक कर दूंगा तो सात दिन पीछे की कैसे आवेगा है? इसलिए पूरी कथा में कभी और कहीं भी नहीं सुनाता, हमेशा अधूरा। थोड़ा सा लेन देन बना रहेगा, उधार खाता चलता रहेगा। तो गोपियों ने, कार्तिक मास आया और कात्यायनी देवी की पूजा करी। मैया ने कार्तिक नहाया है कभी? नहीं नहाया। किन किन ने कार्तिक नहाए कभी जिंदगी में? एक आध बार ऊपर करें, आदमी कोई होए। माताएं तो लगभग सब हैं, 2% बची होंगी, बाकी तो सब हैं। और तुम तो वैसे ही हो हैं। वैसे तुम कार्तिक का नहाओ, तुम तो रोज ही नहाते होंगे हैं? एरी मैया, एक बात बताऊं आपको, कार्तिक मैंने भी नहाया है, हम तो मेरे को से आ गए।
कार्तिक में क्या होता है कि अलग अलग कुआओं पे, अलग अलग जगहों पर रोज स्नान करना पड़ता है। तो मैं जब छोटा सा था तो जो बच्चियां नहाती थीं और मैं भी छोटा सा था तो पानी खींचने के लिए मैं जाया करता था उनके साथ, संग सारे मैं भी नहा लेता था। तो उस समय के जो भजन है वो गीत है, मुझे अभी भी याद है, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। कात्यायनी महा मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः, इति मंत्रं जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। हे कात्यायनी मां, एक बात बताऊं, यहां पूज रही है कात्यायनी को और मांग रही है कन्हैया को, पूज रही है कात्यायनी को और मांग रही है कन्हैया को, और ये केवल यही नहीं मांग रही बेचारी, सीता जी भी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में जंगल में गाय चराने के लिए गए। ग्वाल बाल बहुत दूर निकल गए गाय चराते चराते, और ग्वाल बाल बोले कि लाला आज बहुत भूख लग रही है, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए। भगवान ने कहा पास में चले जाओ, एक ब्राह्मणों का गांव है और तुम ब्राह्मणियों के पास चले जाना, मेरा नाम ले देना कि कन्हैया आए हैं और वो भूखे हैं और हम भी सब ग्वाल बाल साथ में, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। भगवान को पता होता है कि मेरे भक्त कहाँ कहाँ मेरी याद कर रहे हैं, वो गाय चराने के बहाने बहाने उन्हीं उन्हीं दिशाओं में चले जाया करते थे और दर्शन दे आते थे। वो ब्राह्मणी बहुत श्रद्धावान, बहुत भावुक, दिन और रात भगवान के गीत गाती थी। निहारे हैं सारी रेन, हम बाट निहारे हैं सारी रेन, समरिया आ जा रे आ जा रे, समरिया आ जा रे आ। उनको दर्शन देना था और उनके जो पतिदेव थे ना वो बहुत कर्मकांडी थे। वे ग्वाल बाल गए तो बाहर यज्ञ कर रहे थे, वो स्वाहा स्वाहा चल रहा था,
ग्वाल वालों ने जाके उनसे प्रार्थना करी कि हम भूखे हैं कुछ। वो बोले तो नहीं, उन्होंने आंखें निकाली और कहा है यहां हवन चल रहा है, कहां से आ गए तुम गमार ग्वारिये। चलो बेचारे लौट आए भगवान के पास आके बोले तुमने तो पिटवा दिया होता, जैसे तैसे बचाए, वो तो हवन पे बैठे ताते बच गया, वे उठ नहीं सकता है। फिर ही होते बोले तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैंने तुम मेरे गुरु के और परमात्मा के शब्द को बड़ी ठीक से सुनना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भगवान ने कहा मैंने तुमसे यह कहा था कि तुम ब्राह्मणों के यहां ब्राह्मणियों के पास जाना, ब्राह्मणियों के पास। बोले हाँ ये तो गलती हो गई। बोले दोबारा जाओ। बोले वो अब हवन पूरा है, वो ठाड़ी है गए होंगे भी मारे तो। बोले नहीं, न तो हवन पूरा हुआ होगा और न वो तुम्हें मारेंगे, पर हां उनकी आंख निकाले तो डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो एक जना बोले जब तू संग है तो फिर काउ की चिंता ना है, तू है तो हम कालिया से ना डरे, तू है तो हम अगासुर से नहीं डरे, बकासुर से नहीं डरे हम, और डर पत सवते। ब्राह्मणियों के पास में गए, सूचना सुनाई और ब्राह्मणी एकदम भाव विभोर हो गई, भगवान हमारे नगर के गांव के पास आए। बोले हां, और वो ये कह रहे भूखे हैं। अरे इतने में तो सब पागल हो गई, जिसको जिससे प्यार होता है ना और वो कह दे कि मैं भूखा हूं है, अरे राम राम, और उसमें भी फिर माए हो है, आदमी हो तो अलग बात है, फिर आदमी की तो बात ही छोड़ो। तुम एक मास्टर था, रिटायर हो गया, उसने दुकान खोल ली कपड़े की, घर में बाजार में घर था, घर में दुकान खोल ली। तो एक बड़ा प्यासा आदमी था, बोला बाबूजी पानी पिला दो, बड़ा प्यासा हूं। अरे बोले रुक जाए, अभी आदमी आ रहा होगा, उसका कोई नौकर या कोई था, बोले अभी अंदर चला गया, आ रहा होगा, बहुत देर हो गई नहीं आया। बोले बाबूजी बहुत प्यास लग रही है, और पास में रखा था पानी। अरे बोले हमने कहा ना कि आदमी आ रहा होगा। तब उस प्यासे ने एक बात कही कि नेक दे रखे ले आप ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। उसके कपाट खुल गए कि बात सामान्य नहीं है इसकी। तब उसने पानी पिलाया। तो आदमी तो ऐसे होते हैं है? जब माताओं के ये खबर मिली कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भूखा हूं, आ हा हा, ऐसी ही रही होगी उमा जैसी है? चौक पुराती होगी गाय के गोबर से है? इसलिए तो भगवान स्वयं गए जा करके, इसलिए तो इसकी कथा हो रही है कोरोना में भी है। ब्राह्मणियों ने तुरंत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, बहुत स्पीड में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और वो लेके चली। तो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ पर बैठे थे वो ऐसा कोई अनुष्ठान कर रहे थे कि उठ नहीं सकते थे। उन्होंने देखा अरे ये क्या कहां जा रही है, लेकिन वो उठ नहीं सकते थे और अपना जो कर रहे थे वो उसे छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से लाल आंखें करके उसे लौट आने लगे। उन्होंने प्रणाम किया, बोले आज तुम हमारे पति हो माना, लेकिन आज परम पति आया है इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चाहे हमें भले ही नरक मिले। तुम शरीर के पति हो
लेकिन आत्मा का पति तो कोई और ही है। क्षमा करिएगा। और गोपियां वो ब्राह्मणियां चल दी और जंगल में जाकर के उनको प्रसाद पवाया, रोते हुए प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ग्वाले हैं और ये ब्राह्मणी हैं। उन ब्राह्मणों को ब्राह्मणपने के अहंकार ने ये कभी कभी बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देता, ये अहंकार है। सांसारिक दृष्टि से यदि उस ग्वालों को ग्वाले को प्रणाम करेंगे तो हमारा हमारा समाज में क्या रहेगा। लेकिन ये दर्शन करके कृतकृत्य हो गई और भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणियों, तुम मांगो क्या मांगती हो? बोले, अब मुझे हमें संसार में मत लौटाओ, जहां भेजना हो वहां भेज दो, पर अब संसार में नहीं जाना चाहती। और अब जाएं भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अब हम लौटेंगी तो अब शायद वो घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणियों, तुम मेरी भक्त हो, जब मैं अपना पद चिन्ह कालिया नाग के ऊपर बना देता हूं तो गरुण की हिम्मत नहीं है कुछ कह सके। ऐसे मैं कृपा की दृष्टि जिस पर डाल दूं, फिर दुनिया में किसकी ताकत है कि उसकी उपेक्षा कर सके, उसका उसको इग्नोर कर सके, हाँ? उसको टेढ़ी निगाह से देख सके, ऐसा कौन है? इसलिए तुम जाओ। और भगवान ने वहीं से बैठे बैठे उन ब्राह्मणों को जो यज्ञ कर रहे थे, उनके चूंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ऐसी प्रेरणा करी कि फिर उन्हें अपने जीवन पर धिक्कार आने लगा, क्योंकि जब वे ब्राह्मणी लौटी तो उनके चेहरे पर अलग तेज, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के बाद में आदमी का तप और तेज अलग से चमकता है। और पता है वो ब्राह्मणों ने उन ब्राह्मणियों का स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा। ब्राह्मणी तो दंग रह गई, हमें तो लगता था ये घर में नहीं घुसने देंगे। और वो सब विप्र जो क्या कहने लगे, पता है, धिक्जनम, हमें धिक्कार है, भगवान हमारे पास तक आए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, धिक्कार है हमें, धिक्जनम नस्त्रिवृत विद्याम, हमारे ब्राह्मणत्व को धिक्कार है, क्योंकि इस ब्राह्मणत्व नहीं तो नहीं जाने दिया है? हमारे इस ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है और हमने जो ये विद्याएं ये पढ़ी, कर्म कांड सीखे, इनको धिक्कार है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां विप्र स्वयं अपने जन्म को धिक्कार रहे हैं, अपनी विद्या को धिक्कार रहे हैं और कह रहे हैं, धिक वृतम धिक बहुज्ञताम, हमने ये जितने व्रत जो करे थे इनसे केवल हमारा अहंकार ही बढ़ा है, इन व्रतों को भी धिक्कार है हमारे, और हमारे इस दुनिया भर के जो हमने ग्रंथ पढ़ डाले, हमारे इस बहुत ज्ञान को भी धिक्कार है। धिक्जनम नस्त्रिवृत विद्याम, धिक वृतम धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, हमने अपने कुल को भी कलंकित कर दिया, भगवान हमारे नजदीक आकर के हमसे उपेक्षित हो गए, हमारी बुद्धि मारी गई। धिक क्रियादाक्षम, ये सब क्रियाएं हमारी जो कर रही, हमने जो कर्मकांड, ये सब धिक्कारने योग्य हैं। क्यों? विमुखा ये त्वदुच्छजे, इन इतना सब करने के बाद में भी हम भगवान के विमुख ही रह गए, और ये हमारी कुछ न करने वाली ब्राह्मणियां हैं और ये भगवान के सन्मुख होकर के आ गई, धिक्कार है हमारे जीवन को।
और सही बात तो यही है भैयाओं, गोस्वामी जी ने कहा है अपने शब्दों में, सोचनीय सब ही विधि सोई, सोचनीय सब ही विधि होई। शब्द समझिए, जो न छाणी छल हरि जन होई, जो छल कपट और दुनिया के इन द्वंद्वों को छोड़ करके जो हरि का जन नहीं हो पाता वह सबसे ज्यादा शोचनीय है, सोच करने के योग्य है। कल हमने गाया था, प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए, और जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए। तुम्हारे यहां की तो पता ना, ब्रज में माताएं कहती हैं जब कोई बालक कोई बुरा काम कर दे तो मैया गारी देते हुए कहती है, आजा तोकू बैठ के रोई लऊ, आजा तोकू बैठ के रोई लऊ। एक शब्द और जोड़ती है, आजा तोकू बैठ के रोई लऊ ठटरी बंधे। तो जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए, उन पर कृपा की भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अहंकार का और भगवान का विरोध है, और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र नाराज हुआ। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिव्यश्चुकोपसः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये इंद्र का कोप करेगा क्या? क्यों? क्योंकि नंद आदि ही कृष्ण नाथेभ्यः, नंद आदि जो है ना जितने गोप हैं, नंद आदि से जितने गोप ग्वाल गैया हैं, उनका नाथ जब श्री कृष्ण हो तो इंद्र का, इंद्र के बाप दादे कितने आ जाए कोप करने वाले, उसका बाल बांका नहीं कर सकते साहब। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रख सब ग्वाल वालों को बचाया, गिरिराज जी के नीचे आ गए, 7 दिन उठा करके रखा, जब उतारे फिर परिक्रमा लगाई, सब लोग बोले लाला तूने सबकी जान बचा ली। लेकिन भगवान ने एक बात कही, हे गोपो हे ग्वाल वालो, कर्मणा जायते ज
जन्तुः कर्मणैव विलीयते। बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, आदमी सुख और दुख अपने कर्म से ही पाता है, दूसरा कितना भी कोशिश करे, यदि तुमने कोई गलत नहीं किया, तुम भगवान के समर्पित हो, तो दुनिया के तो लोगों की क्या, इंद्र का वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कर्म अच्छा है ना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र आकर के चरणों में गिर पड़ा, गलती हो गई, तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। फिर उसके बाद में भगवान ने चीरहरण लीला की है, और फिर भगवान ने रासलीला की है। रासलीला में उन गोपियों को मुरली के माध्यम से बुलाया भगवान ने। पता है मैं सोच रहा हूं एक बार नचा दूं इनको, फिर तो फिर मौसम नहीं रहेगा। मैं राम प्रकाश जी का बड़ा मन करता रहता है नाचने का। लेकिन नाचने में प्रधान जी भी कम नहीं है। फिर नाचना नहीं हो पाएगा। क्या गाए, गोवर्धन मना लें थोड़ा सा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। विराज रयो रे तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सुनो, काऊ को मन कर रहो तो अब मारियो मते। अब जी मौको पता नहीं कब मिले हैं, पूरी कर लो। जय हो।
अपने अलग मजीरा बजा रहा जाए जहाँ बीच में ले और जाए गरवारिये बुलाओ कथा अधूरी रह जाएगी हमारी सफल ही नहीं होगी जो नाचे नहीं तो ये जोड़ाते नाचे तो कोई सफलता मिले हमें कहाँ गई भाई बुलाओ हरि बोल ये जो मुरली है ना मुरली एरी मैया ओ बैरियो बैस ना सुनते बैरी कैसे तो सुनते शांत है कि बैरी कैसे भगवान की सबसे प्यारी सखी जो थी आपकी नजर में कौन थी राधा के ललिता के विशाखा है राधा थी ना नहीं भगवान की सबसे प्रिय सखी थी बांसुरी और बांसुरी कोई जड़ नहीं थी बांसुरी चैतन्य थी वो मैं फिर कभी बताऊंगा बांसुरी किसी का अवतार थी और बांसुरी को भगवान ने हमेशा
जितना गोपियों को नजदीक नहीं रखा इतना बांसुरी को रखा। तो क्यों थी? क्योंकि वो अंदर से खाली थी और हमने तो जाने कितना कचड़ा भर रखा है। जो खाली हो जाता है ना, भगवान उसे अपने हाथों पे रख लेते हैं। बांसुरी भगवान ने हाथों पे रखी, लेकिन बांसुरी में से वही स्वर निकलता है जो भगवान फूंकते हैं, भगवान निकालना चाहते हैं अपनी तरफ से वो कुछ। तो लेकिन ये बांसुरी प्यारी बहुत लगती है, लेकिन दुखदाई भी बहुत होती है। ये कथा ही बांसुरी है, इसे सुन सुन के तुम लोग यहां रोज आए 7 दिन तक, और जिनको बांसुरी का चस्का लग जाता है फिर उनका मन नहीं लगता दुनिया में, न घर में, न परिवार में, न गांव में, न रिश्तेदारी में, न खावे में, न पीवे में। हैं? ये बांसुरी ऐसी है, पर जिनकी समझ में आ जाए उन्हीं को ऐसा होता है, जिनकी समझ में नहीं आती वे भले ही पड़ोस में बने रहे हो। जब वीरपुरा में ही होंगे जो जिनके नसीब में नहीं होगा, जो दुर्भाग्यशाली होंगे वे नहीं आ पाए होंगे, कोई न कोई अड़बंगा लग गया होगा। लेकिन ये बांसुरी समझ में किसके आती है? या तो जो भगवान को अपना मान ले, या भगवान जिसे अपना मान ले, ये बांसुरी उसकी ही समझ में आती है। ये कथा उसी की समझ में आती है, पर ये कथा है बड़ी बुरी। क्यों? क्योंकि जब तक चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब ये जाती है ना तो जितना सुख देती है ना उससे ज्यादा फिर दुख भी देती है। विछुरत एक प्राण हरे ले ही। विछुरत एक प्राण हरि ले मिलत एक दुख दारुण दे। आज विदाई है ना, अब तक तो यूं लगती जल्दी जा काम करो, जा काम करो, चलो। आज से मन कहने लगा, कल से ही कहने लगा होगा कि अब कल से कहां जाएंगे, कल से क्या होगा, है ना। और आप वो पंछी हो, इस दुनिया में जन्मे तो हो लेकिन ये दुनिया के नहीं हो तुम, तुम कहीं ना कहीं, मैंने एक दिन कहा था ये दुनिया के लोग वोट देकर जिसे चुनते हैं और जो चुनाव लड़ता है उसे संसद में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन जनता चुनती है वो संसद में बैठता है और वो भी कुछ काल के लिए। वैसे तो 5 साल के लिए चुना जाता है, हो जाए तो बीच में ही गड़बड़ हो जाए, पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल। लेकिन जिसे परमात्मा चुन लेता है उसे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, उसे किसी को पिलाना खिलाना नहीं पड़ता, वो केवल भगवान की शरण होता है। और समझना जिसे भगवान चुन ले फिर वो संसद में नहीं सत्संग में बैठता है। हम भगवान के चुने हुए हैं, हम किसी दुनिया के चुने हुए नहीं है। जो कभी भी हमारी सरकार गिर जाए, हम सत्संग के वो पंछी हैं जिसे भगवान ने चुना है, और हम चुनाव लड़े नहीं है, हमने भगवान के यहां अपने आप को मिटाया है।
इसलिए आज हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग हम लोगों का जीवन है, कथा हम लोगों का जीवन है। भैया आओ, मुरली भगवान ने बजाई, गोपियां आईं, रास हुआ, अहंकार हुआ कुछ गोपियों को। भगवान मिलना तो सबको चाहते हैं, पर जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है और किसी में टिक नहीं पाता, फोड़ करके निकल जाता है, ऐसे ही भगवान मिलना तो सबको चाहते हैं, एक क्षण में मिल जाएं, लेकिन हमारा पात्र है ना, अभी सोने का बना नहीं है, नहीं तो फायदा क्या होगा। वो आए और फैल गए तो पात्र जो जैसो टूटो फूटो है ना, वो और फूट जाएगा। इसलिए भगवान इंतजार करते हैं कि जो पात्र बन जाए और फिर मैं इसके हृदय में आऊं। गोपियां भी कितनी भक्त थी, कितनी समर्पित थी, उसके बावजूद भी संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूल, सारे विषय भोगों को, संसार की सारी वस्तुओं को, संबंधों को, सबको ठोकर मार करके नारी होकर के जो भगवान के पास आ गई, सोचो कितना बड़ा प्रेम रहा होगा। है आप लोग जितने बैठे हो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, गोपियों से कम नहीं हो आप लोग, आपके अंदर गोपी तत्व है, लेकिन संसार में जाकर के वो गोपी तत्व दब जाता है, कथा में आकर के वो गोपी तत्व उभरता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक पत्र पढ़ रहा हूं जो मेरे पास आया है। पूरा पत्र तो लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जो तुम्हारे काम का है बता रहा हूं, मैं गोपी तत्व बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो गोपी तत्व है, तुम में से ही किसी का पत्र है तो तुम्हारी सब फीलिंग्स, तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो इस पत्र में है। इस पत्र में लिखने वाले कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं संसार से थक गया, मुझे संसार में अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी डोरियों से बंधा हुआ हूं, मैं छूटना चाहते हुए भी तड़फड़ा सकता हूं लेकिन छूट नहीं पा रहा हूं। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि इन बंधनों से मुक्त होकर के कहीं भगवान में लीन हो जाऊं, क्या ये बंधन कभी टूट पाएंगे। इसमें लिखा है, लेकिन सांसारिक बाधाएं रुकावट डाल रही हैं। मैं सांसारिक प्राणी हूं ना गुरुदेव, और मैं यदि जबरदस्ती करूं इन जंजीरों को तोड़ने की तो मुझे डर लगता है कहीं अपराध न हो जाए, कहीं अपराध न हो जाए। ऐसी ही हालत तुम सबकी है ना, कहीं कुछ गलत न हो जाए। बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी, बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी, तुम्ही को चाहना
तुम्ही को चाहना और तुम्ही से दूर रहना भी। कुदरत ने क्या मजाक किया, कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ। तुम सब वो हो जहां तुम रह रहे हो, उन लोगों से तुम्हारी पटरी नहीं खाती, तुम्हारी पटती नहीं है। कह रही मैं कैसे निभे बेरकेर को संग, वे डोलत रस आपने और इनके फाटत अंग। कुदरत ने क्या मजाक किया, एक बालक है हमारा लखनऊ से, सचिवालय से आया है, न जाने कब से सुन रहा, कब से तुम्हारी सूचना हमें मिलती रही, न जाने कब से कोशिशें थी, अब इसका मन नहीं लगता वहां, लेकिन रहना पड़ता है वहां, क्योंकि वो दुनिया अलग है, हमारा दिल तो इस दुनिया का है ना। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। इन मेरी माताओं को उन्हीं बहुओं के बीच में पिसना पड़ता है जो इनकी शक्ल को देखना नहीं चाहती है। क्या जिंदगी है, और जिससे ये प्यार करती हैं, जिस कथा से, जिन संतों से वहां जाने के लिए इनके पांव तोड़ दिए गए हैं, उन्हीं बहुओं के द्वारा, उन्हीं बेटाओं के द्वारा, उन्हीं परिवार के द्वारा इनकी स्वतंत्रताएं छीन ली गई हैं। मैं उन पुत्रों को और उन पुत्रियों को धन्यवाद देता हूं जो अपने मां और बाप को कथाओं में ले जाएं और जहां धर्म के क्षेत्र में ले जाएं उनकी इच्छा, या तो उनको कथा में ले जाएं या फिर कथा को उठाकर के उनके दरवाजे पर ले आएं कि लो पिताजी सुनो तुम्हारी इच्छा थी ना। धन्य है वे पुत्र, धन्य नहीं सचमुच में पुत्र तो वे हैं ही, वे ही पुत्र हैं और तो कपूत हैं। भजन करत बिटिया भली, भजन करत बिटिया भली, बिन भजन नहीं, बिन भजन के रहे कपूत।
सबरी ने कुल तार दिया और धुंधकारी भयभूत। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ये आंसू आंखों के नहीं है, ये आंसू दिल के हैं। और पता है ये आंसू कभी न कभी रंग लाएंगे, क्योंकि संसार के लिए नहीं, ये परमात्मा के लिए हैं। और पता है संसार के लिए जब ये आंखें आंसू बहाती हैं तो आंखें ही कलंकित हो जाती हैं, आंसू ही कलंकित हो जाते हैं। ये आंखें तो तब ही सार्थक होती हैं जब ये भगवान के लिए बहने लग जाएं, भगवान के लिए रोने लग जाएं। आंसू तभी सार्थक बनता है साहब। किस्मत ने कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। एक मैं सूत्र दे रहा हूं आपको सार्वजनिक रूप से, वैसे ये सूत्र में गुप्त रूपेण देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सूत्र सबको मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। कभी रोना हो ना तो एकांत में ठाकुर जी के सामने रोना और उनसे एक ही बात कहना, जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। क्योंकि समझे न परे झूठ का साचा, हमको तो पता भी नहीं चलता कि क्या झूठ है और क्या सच है। आप हमारी जिंदगी का निर्णय करना, रोज जब ये पुकार करोगे तो कोई महापुरुष तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे देगा, परमात्मा का भेजा हुआ दूत, और तुम्हें रास्ता बता जाएगा और तुम इन जंजालों से निकल जाओगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऑल थिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस डिसीजन किसी महापुरुष के हिसाब से हो जाए। गोपियों ने रो करके अहंकार हुआ तो भगवान गोपियों के बीच में से भी चले गए। रो करके पुकार करके गोपियों ने अपने हृदय के मल को धो दिया, अपने हृदय के गंदगी को धो दिया आंसुओं से। और जब फिर हृदय निर्मल हो गया तो भगवान फिर प्रकट हुए। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा, तासाम आविर्भूक्षरी
स्मयमान मुखाम्बुज, स्मयमान मुखाम्बुज। भगवान एक ही चीज चाहते हैं, तेरी लगन कैसी है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। भगवान ये नहीं देखता कि तेरे पास बुद्धि कितनी है, धन कितना है, रूप कितना है, पद कौन सा है ना। इनको लेकर के तो लोग बैठे रह गए और वो पा गए जिनके पास कुछ नहीं था। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणै, भावः तुष्यति केवलं न च गुणै, भक्ति प्रियो माधव भाव प्रियो माधव प्रेम प्रियो माधव। और एक बात समझना, भगवान जब भी जिंदगी में आएगा तो किसी संत के थ्रू आएगा, किसी साधु के थ्रू आएगा, किसी बुद्ध पुरुष के थ्रू। माध्यम चाहिए उसे। गोपियों के जीवन में भगवान आए। रास क्रीड़ा हुई। रास क्रीड़ा के बाद तीन असुर और थे, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उन तीन असुरों का और समापन किया और अब आगे की कथा जो है ना, वो भगवान की अब विदाई होगी। इसलिए उससे पहले, क्योंकि और भी आंसू बहने हैं भगवान की विदाई में, इसलिए पहले पानी की पूर्ति कर लो, पानी पियाओ ताकि जल की कमी न हो जाए। बोलो शंकर भगवान की।